भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर जब पुनः गांव में आए तो गांव के ब्राह्मण समाज ने उन्हें जातिच्युत और ग्रामच्युत कर दिया कि तुम ग्राम में रहने लायक नहीं हो, तुम जाति में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने एक जाति की मर्यादा को तोड़ा है। हमारे समाज में, हमारे ब्राह्मण कुल में इस प्रकार से संन्यास नहीं लिया जाता, इस प्रकार से परिवार वालों को नहीं छोड़ा जाता। अब तो विवाह कर संतान उत्पत्ति कर इस समाज को और आगे बढ़ाने में सहायक होता है। शंकराचार्य ने अपने तर्कों और शास्त्र सम्मत व्याख्याओं के माध्यम से विद्वत समाज को यह स्पष्ट किया कि मनुष्य दो कार्यों में से एक कार्य कर सकता है, या तो वह पशु योनि में रहकर संतान उत्पन्न कर अग्रसर हो सकता है, अभी तो यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह जीवन में इन झंझटों से, इन बाधाओं और अड़चनों से अपने आप को परे रखकर उस कार्य को संपन्न करता है, उस जीवन के आयामों को स्पर्श करता है जो सनातन धर्म का आधार है। और ऐसे समय में जब सनातन धर्म लोप हो रहा है, जब सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जब सनातन धर्म पर बौद्ध धर्म हावी हो रहा है, जब समाज के लोग भयभीत हो रहे हैं, जब समाज अकर्मण्य और पंगु हो रहा है, ऐसे समय में कोई कोई व्यक्तित्व तो ऐसा उत्पन्न होगा ही, कोई कोई व्यक्तित्व तो अग्रसर होगा ही जो इस जड़ता को, जो इस अंधकार को दूर कर पुनः उस प्रकाश को पृथ्वी पर बिखेरने का प्रयत्न करेगा जैसे सूर्य करता है। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके द्वारा कल्याण कामना चाहिए कि मैं इस कार्य को संपन्न कर सकूं। परंतु उसमें जाति के बंधन इतने अधिक जटिल थे
इतने अधिक बंधन मुक्त थे, इतने अधिक जड़ युक्त थे कि उनके तर्कों का कोई प्रभाव उस समाज पर नहीं पड़ा और शंकराचार्य के जाति ने, उनके स्वजनों ने, उनके परिजनों ने मां की मृत्यु के उपरांत किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया और जो 13 दिन तक पिंड स्नान, पिंड क्रिया, ऊर्ध्व क्रिया, पुनर्जन्म क्रिया, ब्रह्मलीन क्रिया और तत्व क्रिया की जाती है, इस प्रकार के किसी भी कार्य में उन्होंने योगदान नहीं दिया। कल्पना की जा सकती है कि 14-15 साल का बालक समाज के इतने भीषण आघातों को झेले, उसे जूझे और ये सारा कार्य जो उनके स्वजनों को करना चाहिए था, उस कार्य को भी अश्रुओं से अपने चेहरे को भिगोते हुए संपन्न किया और यह दृढ़ निश्चयता दिखा दी कि मैं जीवन में टूट तो सकता हूं मगर झुक नहीं सकता, क्योंकि मैंने समाज में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो रास्ता अपनाया है, जिस मार्ग का अवलंबन किया है, वह रास्ता अपने आप में परिपूर्ण है, वह रास्ता अपने आप में चेतना युक्त है, यही रास्ता मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, यही रास्ता विष को अमृत में परिवर्तित कर सकता है और केवल यही रास्ता अंधकार को प्रकाश में भर सकता है। और ये सारे प्रहार शंकर ने झेले और उनका मन और ज्यादा विरक्त हो उठा कि जिस स्वजनों से विश्वास था, जिन स्वजनों पर गर्व था, उन स्वजनों ने एक छोटी सी बात पर मुझे ऐसे कार्य करने के लिए भी बाध्य किया जो कार्य उनको करना चाहिए था, और ऐसा मन में विचार आने के बाद मैं पुनः अपने गंतव्य स्थल पर रवाना हो गए और मां की मृत भस्मी को अपने झोले में रखकर
उस मृत आत्मा को यह विश्वास दिलाया है कि मैं सन्यासी हूं, परंतु तुम्हारा पुत्र भी हूं और तुमने मुझे इच्छा या अनिच्छा से संन्यास स्वीकृत करने के लिए जो आज्ञा प्रदान की उसके प्रति मैं प्रणम्य हूं और मैं तुम्हारी इस भस्मि को समस्त तीर्थों में बिखेर कर समस्त पवित्र स्थानों पर बिखेर कर तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी मृत आत्मा को पूर्णता सफलता देने का प्रयास इसलिए करूंगा कि तुम मेरी मां हो, परांबा हो, जननी हो और मेरे इस देह का सर्वस्व हो। और ऐसा सोचकर शंकराचार्य हमेशा हमेशा के लिए उस ग्राम से रवाना हो गए और सीधे अपने गुरु गोविंद पादाचार्य के पास पहुंचे। उस समय जहां उन्होंने दीक्षा ली थी वह ओंकारेश्वर क्षेत्र अत्यंत समृद्ध और अद्वितीय था, क्योंकि नर्मदा के किनारे यह स्थान एक ऐसा स्थान था जहां नर्मदा विमुख का गति से विचलित होती है, गतिशील होती है। सर्वत्र नर्मदा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है, परंतु ओंकारेश्वर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, यह स्थान ही ऐसा स्थान है जहां नर्मदा स्वयं अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है और एक अद्भुत अनिवर्चनीय दृश्य उपस्थित होता है जब नर्मदा दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील होती है। दोनों पहाड़ों के मध्य सिद्ध और साध्य पहाड़ों के बीच देवत्व और पूर्णत्व पहाड़ों के बीच जो कलकल करती हुई नर्मदा उत्तराभिमुख होकर गतिशील होती है वह वास्तव में ही
एक ऐसा स्थान है जहां पर बैठकर पूर्णता और संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। शंकराचार्य अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने अब तक की सारी बीती हुई घटनाओं को उनके सामने रखा। उन्होंने यह भी रखा कि मैंने प्रस्थान त्रयी का भाष्य काशी में लिखा। उन्होंने यह ग्रंथ भी उनके सामने रखा कि प्रस्थान त्रयी का आधारभूत सत्य क्या है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपकी आज्ञा से मैंने वह बीजारोपण किया है जो आगे चलकर वटवृक्ष की तरह पूरे आर्यावर्त में फैलकर एक शीतलता प्रदान कर सकेगा जिसके तले पुनः सनातन धर्म जीवित जागृत और चैतन्य हो सकेगा। उन्होंने अपने ग्राम में बीती हुई घटनाओं का भी सांगोपांग वर्णन विवरण गुरु के सामने रखा और यह बताया कि मैंने अपनी मां के सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंतिम क्षणों में तुम्हारे पास रहूंगा और मैं एक पुत्र की भांति तुम्हें मुखाग्नि दूंगा। गोविंद पादाचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया कि शंकर इस जीवन में इस संन्यास मार्ग पर न कोई पिता होता है न कोई मां होती है न कोई बंधु होता है न कोई विदेशी होता है न कोई जाति होती है न कोई समाज होता है। वह स्वयं होता है और वह स्वयं ही अपने जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। इसलिए उस मां की मृतदेह की भस्म नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दो क्योंकि इससे ऊंचा स्थान इससे पवित्र स्थान इस विश्व में और कोई नहीं है। और शंकराचार्य ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वह भस्म नर्मदा में प्रवाहित कर दी और इस प्रकार से उन्होंने जो छोटा मोटा धागा जो बंधन समाज का या परिवार का था उसको भी समाप्त कर दिया और यह निश्चय कर लिया कि मैं
अपने जीवन में उस सत्य को उद्घटित करूंगा जो जीवन का आधारभूत सत्य है, तथ्य है। एक दिन अवसर पाकर शंकराचार्य ने अपने मन के विचार गुरुदेव के सामने रखे। गुरुदेव ने कहा कि जो तुम ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम परांबा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम नित्य लीला विहारिणी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें तत्पर होना पड़ेगा, साधना संपन्न करनी पड़ेगी, गुरु सेवा करनी पड़ेगी और उनकी आज्ञा का अक्षरशः और प्रतिक्षण पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यह देह को साधने और मन को बांधने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शंकर ने गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुना और मन में निश्चय कर लिया कि यदि इससे भी कठिन अग्नि परीक्षा होगी तो भी मैं उसमें खरा उतरूंगा और गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ, गुरु सेवा करता हुआ मैं इन कठिन क्रियाओं को संपन्न कर पूर्ण गुरु दीक्षा प्राप्त करूंगा और वे नर्मदा के एक किनारे पर जहां से ही वह उत्तराभिमुख होकर अग्रसर होती है उस स्थान पर उस गुफा में जो स्वयं प्रकृति की देन है, जो निर्मित नहीं है अभी तो प्रकृति के द्वारा परिचालित है, उसमें बैठकर साधना प्रारंभ की और वह प्रकृति निर्मित गुफा आज भी जीवित जागृत और चैतन्य है, जहां जाने से एक पवित्रता का बोध होता है, जहां जाने से एक विरक्ति का भाव जागृत होता है, जहां जाने से ध्यानस्थ प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जहां जाने से यह चेतना अपने आप
अभिव्यक्त हो जाती है कि इस जीवन में कोई बंधु, कोई समाज, कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार नहीं होते। अभी तो ये तो देहगत संबंध हैं और जीवित रहते हुए देह को परे रखकर प्राणमय चिंतन से विश्व को देखने की क्रिया प्रारंभ होती है। यदि आज भी इस प्रकार का सत्य एक सामान्य दर्शक के मन में उद्घटित होता है तो यह सोचा जा सकता है कि वास्तव में वह प्रकृति निर्मित गुफा कितनी अधिक दिव्य और तेजस्वी है जिसमें एक बालक शंकर रहकर कितनी कठोर तपस्या की होगी और अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास और सफलता। गुरुदेव ने उन्हें द्वैत भाव की अपेक्षा अद्वैत भाव स्पष्ट किया कि ब्रह्म ही माया है, ब्रह्म ही जीव और जगत है और यह सब कुछ माया चारों तरफ बिखरती हुई पुनः ब्रह्म में लीन हो जाती है और यहीं से शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत अहम ब्रह्माष्टमी का घोष इस पृथ्वी तल पर विकीर्ण हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि माया तो एक छल है जिसमें जीव भ्रमित होता है मगर जो इस भ्रम से परे हट जाता है, जो इस बात को अनुभव करता है कि ब्रह्म का एक स्थूल रूप माया है और जब वह यह समझता है कि अहम ब्रह्माष्टमि मैं ही ब्रह्म हूं मुझसे ही माया का प्रादुर्भाव होता है वो माया पुनः मेरे अंदर ही लीन हो जाती है तभी सही दृष्टि से सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न किया जा सकता है समझा जा सकता है। गोविंद पादाचार्य ने शिष्य की कठिन परीक्षा ली। वे नित्य
गुरुदेव के उठने से पहले उठते, पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करते, उनके समीप ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयत्न करते और उनके एक एक वाक्य को अपने जीवन में उतारते, और यहीं से उनके जीवन की वह मूल व्याख्या कि ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, इसी का उद्घोष वेदों पुराणों उपनिषदों में छिपा हुआ है। और जब एक वर्ष तक गुरुदेव गोविंद पादाचार्य ने उनकी कठोर से कठोर परीक्षा ली और जब उन्होंने अनुभव किया कि यह बालक किसी भी प्रकार की परीक्षा में पूर्णता युक्त है, तब गुरु ने उन्हें त्रिपुर सुंदरी और श्री चक्र उपासना की साधना प्रदान की। भगवत्पाद शंकराचार्य के घराने में सांब सदाशिव की उपासना परंपरागत से चली आ रही थी। यहीं से शंकराचार्य ने शिव से निर्गुण परम तत्व की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया और शुद्ध तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए श्री चक्र की उपासना का अनुभव किया। सौंदर्य लहरी के 11वें श्लोक में श्री चक्र का वर्णन है और इस 11वें श्लोक में यह समझाया है कि जीवन अपने आप में पूर्णता का द्योतक है। जब तक श्री चक्र की उपासना को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि श्री चक्र की उपास्य देवता ललिता त्रिपुरा है और मंत्र के मनन द्वारा ही मन का तत्संबंधी देवता से
तादात्म्य स्थापित किया जाता है और उन्होंने सौंदर्य लहरी में स्पष्ट किया विभक्त त्वयि वर्ण्या व्यतिकरित लीलांजनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदैते पुनः सृष्टुं देवान् दुहिण हरिरुद्रान् परतान् रजः सत्वं निभ्र तमैति गुणानां त्रयमिव। यही नहीं, अभी तो उन्होंने श्री चक्र को स्पष्ट रूप से समझने और बताने के लिए कहा कि गते कर्णाभ्यर्णम गरुतैव पक्ष्माणि ददति पुराम वेतश्चित्त प्रसमरस विद्रावण फले इमे नेत्रे गोत्रा दर्पति कुलोत्तम संकलिते तवा कर्णा कष्ट स्मर सर विलासा कलयत। उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से लीलता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या की है और यह बताया है कि मंत्र के मनन द्वारा मन का तत्संबंधी देवता से किस विधि से किस रहस्य से तादात्म्य स्थापित किया जाता है और उन्होंने इस सौंदर्य लहरी में ललिता त्रिपुराम्बा के मंत्र का निर्देश स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया है और वास्तव में ही मात्र श्री चक्र की उपासना के माध्यम से ही ब्रह्म गायत्री के वैदिक मंत्र और आदिकादि तांत्रिक मंत्रों को समझा जा सकता है। एक प्रकार से यदि बाह्य रूप में देखें तो शंकराचार्य ने मां पार्वती को माध्यम बनाकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु विद्वान यहीं पर भूल कर बैठे हैं। यह मात्र पार्वती के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, अभी तो
तंत्र की श्रेष्ठतम व्याख्या है। इसके माध्यम से पूरे तंत्र को समाहित कर यह स्पष्ट किया है कि बिना तंत्र के जीवन की पूर्ण व्याख्या संभव नहीं है और न श्री यंत्र और श्री चक्र को समझा जा सकता है। शरीर के अंदर अभ्यंतर पट पर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना जैसी नाड़ियों में षटचक्र और देवता रूपी शक्तियों के केंद्रों की व्याख्या एवं सहायता से ही योग पद्धति के साधन क्रम को समझा जा सकता है और ऐसी स्थिति आने पर यह शरीर ही अपने आप में पूर्ण श्री यंत्र बन जाता है और तब मंत्रों की सहायता से इस मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का उत्थान करके उसका आरोहण अवरोहण सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार तक किया जा सकता है, क्योंकि ये सब शक्तियां बीज रूप से शरीर में तो समाहित होती ही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनका जागरण करके शरीर में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इन देवताओं को समझने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, और जो बाहर भटकते हैं वे शरीर स्थित श्री चक्र को या श्री चक्र द्वारा निर्मित शरीर को समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना तात्विक दृष्टि से एक रूपा है। यदि योग मार्ग से यदि गतिशील हों तो कुंडलिनी मन प्राण नाद और बिंदु इन पांचों को ऊर्ध्व चेतना युक्त बनाकर ब्रह्मांड के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और यह प्राप्त करके ही वह विश्व की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर
उन अलौकिक कार्यों को भी संपन्न कर सकता है जो कि अगम्य है, अगोचर है, अद्वितीय है और सामान्य जनों के लिए आश्चर्यजनक है। सही दृष्टि में देखा जाए तो मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति ही महामाया है और इसी का शुद्ध स्वरूप और इसी को शुद्ध विद्या कहा जाता है। यही परा है, यही पश्यंती है, यही मध्यमा है और यही वैखरी है जिसे व्यक्त होकर समस्त मंत्रों के माध्यम से जगत की सृष्टि समझी जा सकती है। और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि योग उपासना का स्थान अन्यत्र कहीं नहीं अपितु मनुष्य देह ही है। और साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य का भी गूढ़ता से स्पष्टीकरण किया कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि तंत्र और मंत्र, योग और दर्शन, मीमांसा और अद्वितीय कार्य, परकाया प्रवेश और वायुगमन प्रक्रिया, शरीर को अंगुष्ठ मात्र करके गमनशील होना और सिद्धाश्रम प्राप्ति मात्र इस शरीर के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ही सही अर्थों में मंत्रमय जगत की सृष्टि करती है और यही मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति की पूर्णता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी इस व्याख्या को सौंदर्य लहरी के दो श्लोकों में स्पष्ट किया है। विशाला कल्याणी स्फुट रुचिर अयोध्या कोवलये कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती दृष्टि से बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते। और श्लोक को और ज्यादा अच्छी तरह से समझाते हुए कि किस प्रकार से शरीर को उच्चाटन, आकर्षण, द्रवीकरण, सम्मोहन, वशीकरण, ताड़न और निद्रावण किया जाता है। कवि नाम संदर्भ स्तव कमर
कन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तो दृष्ट्वा तव नवरसा स्वादतरला वसूया संसर्गा दलिकनयनम् किञ्चिदरुणम्। और ये दो श्लोक भी इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह शरीर ही सही अर्थों में श्री चक्र है, इसी में संसार की उत्पत्ति होती है और इसी में संसार लीन होता है, और इस शरीर को ही साध करके, इस शरीर को ही श्री चक्र बना करके, इस शरीर को ही त्रिपुर सुंदरी में समाहित करके संसार की समस्त चेतना, संसार का समस्त ज्ञान, संसार की सारी कार्य पद्धति को समझा जा सकता है। परंतु इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि गुरु की सम्मिलिता और गुरु की कृपा अत्यावश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट रूप से यही सत्य कई वर्षों पूर्व स्पष्ट कर दिया था कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात बिना गुरु के इस जीवन को नहीं समझा जा सकता, और जब जीवन को नहीं समझा जा सकता तो श्री चक्र और ललितांबा को भी नहीं समझा जा सकता, और यदि इन दोनों तत्वों को नहीं समझा जा सकता तो सूक्ष्म रूप जीवन धारण करना, विशुद्ध काया इड़ा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत कर पूर्णता तक पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए चक्रों और कुंडलिनी का जितना सुंदर विषय और विवेचन भगवत्पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य डायरी के माध्यम से किया है वह अपने आप में अन्यतम है, क्योंकि यह ग्रंथ केवल पठन करने के लिए अथवा मनन करने के लिए ही नहीं है, अब तो सही अर्थों में यह तंत्र ग्रंथ है, यह तांत्रिक ग्रंथ है। इसके एक एक श्लोक में तंत्र की विशद व्याख्या है और इसके मार्ग से ही, इसे समझ करके ही हादि कादि उपासना तथा योग मार्ग को लेकर गतिशील हुआ जा सकता है। उन्होंने इस सौंदर्य लहरी में कई स्थानों पर भगवान गुरु
को ही शंकर कहा है, शिव कहा है, और ये बताया है कि इसके माध्यम से ही जीवन को पूर्णता दी जा सकती है और जीवन की 32 वर्ष के अल्प समय में ही ऐसा ग्रंथ संपादित कर सन 820 ईस्वी में अपना प्रातस्मरणीय नाम सदा के लिए काल के भाल पर अंकित कर इस नश्वर देह को विसर्जित कर दिया, परंतु उनकी यह सौंदर्य लहरी आज भी योगियों के लिए और विद्वानों के लिए